हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे में अभी वैकेंसी आई हुई ALP की, जिसका एग्ज़ाम जो है CBT 1 जून जुलाई में लेने वाली है। तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कतें भी आती है, कुछ स्टूडेंट बना भी लेते हैं। तो हम आपके लिए वही सारे न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हाई लेवल की तरफ। ओके फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे बोला गया है, एक वस्तु है जो कि स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। जब स्थिर वस्तु रहती है तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है 0 होता है। और प्रारंभिक वेग से आप लोगों को पता है हम लोग यू से डिनोट करते हैं, अर्थात यू का वैल्यू क्या हो गया? 0। अब यह चलना प्रारंभ कर दी है, 2 सेकेंड में इसकी वेग कितनी हो जाती है फ्रेंड? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात अब ये जो वी का वैल्यू हो गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। पूछा क्या है इसमें नहीं बताया गया, लेकिन ऑप्शन से हम लोग पता कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब हमसे त्वरण पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो कि 0 से लेकर 5 हो गया है, परिवर्तन कितना का हुआ है? 5 से। अर्थात इसका फॉर्मूला होता है आपका v - u/t, यही होता है। v का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स? 5। u का वैल्यू 0/t। t का वैल्यू दे रखा है 2 आपका, अर्थात 5/2 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आधा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आधा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक कार सड़क के किनारे 0.5 सेकेंड में ज़मीन पर आ पहुंचती है। अगर जी का वैल्यू इतना दे रखा है तो ज़मीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी? ओके, ज़मीन से टकराते समय बोला है, अर्थात अंतिम वेग हमसे पूछा है, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा। अंतिम वेग मुझे पूछा है, यू का वैल्यू क्या हो गया? 0, क्योंकि अभी कार रुकी हुई थी उस टाइम इसका वेग क्या हो गया? 0। जब ये ज़मीन पर टकराएगा तो उस टाइम हो गया अंतिम वेग, मुझसे अंतिम वेग पूछा गया है। यहाँ पे जी का वैल्यू दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमें वी का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक फार्मूला होता है v = u। जब ज़मीन से नीचे आ रहा, जब हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं ना, उस कंडीशन में जी का मान जो होता है वो तो प्लस में लिया जाता है, अर्थात u + gt। ओके, यहाँ पे देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं तो उसमें जी का वैल्यू माइनस में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। वी का वैल्यू पूछा है, यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 0। प्लस जी का वैल्यू कितना दे रखा है? 10। टी का वैल्यू दे रखा है 0.5। आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, एक कार 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तुरंत पूछा है, तुरंत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, त्वरण अभी जस्ट बताए थे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कितना परिवर्तन हुआ? 36 से हो गया 54, परिवर्तन कितना का हुआ? 18 किलोमीटर प्रति घंटा का। ओके, तो भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकेंड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 से 18 किया आपका गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब निकालना मुझे त्वरण।
परिवर्तन कितना का हो गया फ्रेंड्स, 18 का, इसको कन्वर्ट किया तो इतना आ गया, अर्थात 5। टाइम कितना लिया फ्रेंड्स, 5 का, 5 से 5 गया 1, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कौन हो गया देखिए, ध्यान देखिएगा, ये होगा देखिए मीटर सेकेंड हो, मीटर सेकेंड स्क्वायर है ये, और ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कहाँ पर, ये हो गया आपका 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया, क्योंकि ये इन्वर्स में दिया हुआ है, इन्वर्स को हम नीचे भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा पावर, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बार बार रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए बंदूक है कोई, बंदूक से 12 ग्राम की द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग दिया हुआ इतना, तो बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे फ्रेंड क्या क्या दे रखा है वो लिखिए आप, डी क्या रखा है, एम बराबर दे रखा है, अर्थात मास जो दे रखा है वो 12 ग्राम दे रखा है, ओके, और यहाँ पे टाइम दे रखा है कितना, 0.006 सेकेंड, उसका वेग वेग दे रखा है कितना, 300 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जब गोली स्थिर था उस टाइम इसका वेग जो था जीरो, तो उस टाइम के वेग को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग, जब ये निकल गया है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, भी 300 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया वेग। हमको निकालना है फोर्स, निकालना है एफ का वैल्यू, मुझे निकालना है। यहाँ पे देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, भी बराबर यू प्लस ए टी, पढ़े ना पहले, भी का वैल्यू दे रखा है 300, यू का वैल्यू हो गया 0, ए का वैल्यू मुझे नहीं पता, पहले ए का वैल्यू निकलेगा तभी जाकर आपका फोर्स का वैल्यू निकलेगा, बल का वैल्यू निकलेगा। टी का वैल्यू कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 0.006, ओके, यहाँ से आप देख लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितनी आ जाएगा, 300/0.006, इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 में 3 जीरो आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 5, सॉल्व कीजिएगा तो 6×5=30 आ जाएगा, 5 पे कितने जीरो, 1, 2, 3, 4 जीरो, ये आपका आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग पढ़ेंगे एफ बराबर एम ए, पढ़े थे ना, बल बराबर क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सलरेशन। आपका मास यहाँ पे दे रखा था फ्रेंड्स 12 ग्राम, तो मास हो गया 12, अभी एक्सलरेशन आ गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 12 ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम को हम लोग किलो में बदलेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हो गया 50,000 हो गया आपका एक्सलरेशन का वैल्यू, 3×0 से 3×0 कट गया, 12×25=60 यानी 600 न्यूटन, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 600 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग, यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं, यू, 25 मीटर पर सेकेंड, जो जो दे रखा है वो लिख लीजिए। इसे उच्चतम बिंदु तक पहुँचने के लिए जब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो हाइएस्ट बिंदु पे कहीं ना कहीं वो जाकर रुक जाता है, जहाँ पर रुक गया तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जहाँ रुका वहाँ पे हो गया अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या हो गया इसका, जीरो। जी का वैल्यू दे रखा है, जी क्या एक प्रकार का त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो क्या पूछा है, कितना समय लगेगा, टी का वैल्यू पूछा है, वही फ्रेंड्स वही फार्मूला लगाना है, क्या पढ़ाए थे, भी बराबर यू ऊपर फेंक रहा है ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे वेग से
कहाँ फेंक रहा है, ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो ऊपर जब फेंकता है तो इसका क्या हो जाता है, माइनस यू माइनस जी टी। यू का वैल्यू तो जीरो दे रखा है, वी का वैल्यू जीरो दे रखा है, यू का वैल्यू 25, जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू निकालना है मुझे। माइनस 10 इधर आ जाएगा, प्लस 10 टी हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, यहाँ से टी का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है, कोई बाहरी हिस्सा से बाहरी भाग से गिर जाती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। भूमि पर जब गिरा तो टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी, एक बार बताइए। जब एक कार स्थिर अवस्था में थी तो उस समय उसका वैल्यू क्या था, वेग जीरो था। जब भूमि पर टकरा रही है तो उसकी चाल पूछिए, अर्थात भूमि पर टकराने से पहले इसका जो वेग है उसको पूछा, तो अंतिम वेग उसको बोलेंगे, अंतिम वेग निकालना है मुझे। भूमि पर टकराने के दौरान इसका वेग अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग निकालना है, वी का वैल्यू निकालना है मुझे। तो यहाँ से देख लीजिए, वही फार्मूला लगाना है, वी बराबर यू माइनस, माइनस नहीं होगा क्योंकि नीचे गिरा है ना, तो प्लस होगा। गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष जब गिरेगा तो जी का वैल्यू प्लस में, यू का वैल्यू कितना दे रखा है फ्रेंड्स, जीरो। जी का वैल्यू कितना दे रखा है, 10। टी का वैल्यू 0.9। मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वहाँ पे गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए मस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्ट क्वेश्चन। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होंगे जब वस्तु, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोई वस्तु मान लीजिए चल रही है, यहाँ से कोई वस्तु चल रही है ओके, जिस वेग से चल रही है अंतिम में भी वही वेग है, इसका मतलब समझ रहे हैं। मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और यहाँ पर भी इसका 5 मीटर पर सेकेंड ही है अभी तक, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसी वेग से गई और अंत में भी उसी वेग से ही पे ही रह गई, इसका मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो जब वेग में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो त्वरण का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक चले तो हर जगह वेग बराबर है, तो हर जगह वेग बराबर है तो औसत भी तो 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि औसत क्या होता है, प्रत्येक हिस्सा बराबर, प्रत्येक पर जो हिस्सा होता है वो बराबर पड़ता है। यहाँ पर 5 मीटर सेकेंड, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, अंतिम तक 5 मीटर पर सेकेंड ही रह गया, इसका मतलब औसत भी 5 मीटर पर सेकेंड और जो वेग इसका चला शुरू में वो भी 5 मीटर पर सेकेंड। कब बराबर होगा, जब आपका त्वरण का वैल्यू जीरो होगा, अर्थात शून्य त्वरण के साथ हो, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक फार्मूला आप लगा लीजिए, यू प्लस 80 पढ़ाए थे ना, जब ए का वैल्यू जीरो रखिए, देखिए आ जाएगा जीरो, ख़त्म हो जाएगा तो भीगरा और क्या गई, अर्थात अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों बराबर है। इसमें इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो त्वरण में है, त्वरण जो है वो जीरो है, अर्थात वेग में आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तभी ये कंडीशन होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक कार स्थिर अवस्था से शुरू होती है और 30 सेकेंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के स्थिर त्वरण के साथ चलती है, ओके। ब्रेक लगाए जाते हैं, एक कार एक स्थिर अवस्था में आने के लिए 60 सेकेंड लेती है, मतलब 30 सेकेंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है, फिर ब्रेक लगाते हैं तो स्थिर कार को स्थिर होने के लिए मुझे 60 सेकेंड समय लेती है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक जब इसकी गति इसके अधिकतम की आधी हो जाती है, मतलब जब कार की गति अधिकतम होगी, उस अधिकतम गति की जब आधी होगी तो उस समय दूरी कितनी होगी, न्यूनतम दूरी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टाइम दे रखा कितना, 30 सेकेंड। यहाँ पे देखिए आपका त्वरण कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार बताइए फ्रेंड्स, ये कार जब स्थिर अवस्था में थी तो इसका यू का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड्स, जीरो। जब ये चलने लगी तब इसका वेग क्या होगा, ये देखिए निकालना है, वी बराबर यू प्लस 80, ओके। तो यहाँ से आपका यू का वैल्यू हो गया जीरो, जीरो तो लिखना नहीं है,
तो यहाँ से हो गया 0 + AA का वैल्यू 2, 30 दूनी करना हो गया 60, अर्थात आपका जो B का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 60। अब यहाँ पे क्या बोल, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स B का वैल्यू कितना आ गया है आपका 60, ध्यान रखिएगा 60 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, B का वैल्यू ध्यान रखिएगा 60 मीटर प्रति सेकेंड है। ओके ये हम प्लस ले लेते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा B का वैल्यू आपका आ गया 60 सेकेंड, बोला क्या B का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, सॉरी यहाँ से B का वैल्यू जो आ गया वो प्लस काम नहीं कर रहा है क्या, अच्छा ये लेना है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स B का जो वैल्यू आ गया है वो 60 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ओके अब बोला है अधिकतम गति यही है 60 मीटर प्रति सेकेंड, अब बोला है प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक जब इसकी गति अधिकतम की आधी हो जाती है, मतलब ये 60 था इसका आधा क्या हो जाएगा 30 है ना, जब 30 मीटर प्रति सेकेंड हो तब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, अर्थात हमको दूरी निकालना है, S का वैल्यू निकालना है, S बराबर फार्मूला होता है UT + ½AT² होता है ना, दूरी मतलब S विस्थापन निकालना है, S का वैल्यू निकालना है, U का वैल्यू तो मुझे पता था 0 0 नहीं थी ख़त्म हो जाएगा, प्लस AA का वैल्यू आपका पता है दिया हुआ था 2, यहाँ पे S का वैल्यू निकालना है मुझे। ओके ये फार्मूला आई थिंक ये फार्मूला नहीं लगने वाला क्योंकि यहाँ पर भी का कोई अता पता नहीं है, इसलिए ये फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, दूसरा फार्मूला एक और है वो फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए हम लोग एक फार्मूला लगाने वाले हैं ये वाला V² = U² + 2S के फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, बस यही फार्मूला लगेगा आपका। यहाँ पर देखिए अधिकतम की आधी होगी तब इसकी दूरी पूछे, अर्थात शायद था जब ये 30 होगा ना तब इसका बताना है आपका, अर्थात जब V का वैल्यू 30 होगा तब उस समय दूरी क्या होगी, तो 30 का स्क्वायर हो गया यहाँ से, U का वैल्यू 0 0 से मतलब नहीं है, 2 AA का वैल्यू कितना हो गया है, तो S का वैल्यू मुझे निकालना है, 30 का स्क्वायर आ गया 900 यानी S का वैल्यू आ जाएगा 900/4, आपका जो वैल्यू आएगा काटने पे 225 आ जाएगा, करेक्ट आंसर 225। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यदि कोई आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड उधर से ऊपर की ओर उछाली जाती है, ऊपर बताए थे ना कि जब ऊपर जाता है तो जी का वैल्यू माइनस में लिया जाता है, तो पता है ना जी का वैल्यू माइनस, 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, आरंभिक वेग दे रखा है, बताए ना प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, अर्थात यू का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, अर्थात हमको मुझे वी का वैल्यू निकालना है, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, मुझे भी का वैल्यू निकालना है। अभी हम पढ़ाए थे फार्मूला भी बराबर U + GT या -GT, तो यहाँ पर ऊपर की ओर फेंक रहा है इसलिए माइनस चलेगा। ओके U का वैल्यू 10 दे रखा है, G का वैल्यू 9.8 होता है आपको पता ही है, एंड T का वैल्यू कितना दे रखा है 2, यहाँ से हम लोग जब करेंगे यहाँ से हो जाएगा 9 × 18 = 19.6 आपका आ जाएगा, यहाँ पे घटाने पे जो मान आएगा आपका वो आएगा -9.6 मीटर पर सेकेंड, जब वैल्यू माइनस में आता है तो जो वेग है वो नीचे की ओर होगा, ध्यान रखिए 9.6 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। ये देखिए भाई 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर एक लड़का खड़ा है, एक पत्थर फेंकता है, अर्थात ये कोई टावर है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है फेंक रहा है, टावर की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ओके तो
जिस बेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह, जिस बेग के साथ जब हिट करेगा तो उस समय उसका बेग अंतिम बेग कहलाएगा। अंतिम बेग पूछ रहा है मुझे, उस बेग का वैल्यू पूछ रहा है। जब ये हाथ में बॉल था उस टाइम उसका जो बेग था प्रारंभिक बेग कितना था, 0। जब फेंका तभी ना कुछ बेग निकला इसका। हमको भी का वैल्यू मुझे निकालना है। वही फार्मूला लगाएं फ्रेंड्स, भी बराबर यू, नीचे फेंक रहा है ना, नीचे फेंक रहा है तो जी का वैल्यू प्लस में चलेगा, यू का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया है और जी का वैल्यू 10। ओके, यहाँ पे 20 मीटर ऊंचे टावर था ना, तो आई थिंक ये फार्मूला, क्योंकि तो इसमें टाइम नहीं दे रखा है ना, ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो हम लोग दूसरे फार्मूला पे जाएंगे जिसमें टी आ रहा हो, बस वही फार्मूला ले लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हम मुझे क्या निकालना है, भी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से एक फार्मूला पढ़ाए थे हम लोग, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, इसी फार्मूला पे लगेगा। ओके, क्योंकि इसमें एस का वैल्यू दे रखा है 20 मीटर, ए का वैल्यू मुझे दे रखा है नहीं, अर्थात जी ए क्या है तोरण ही बताया ना, जी एक प्रकार जी है, यू का वैल्यू दे रखा है 0, 2A, ए का वैल्यू 10, एस का वैल्यू कितना दे रखा है 20। यहाँ से आप लोगों का निकल जाएगा फ्रेंड्स 200, 400 आ जाएगा आपका, यहाँ से 400 क्या आ जाएगा आपका, भी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 400, अर्थात भी का जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 400 कर लेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर उधर चल जाएगा रूट हो जाएगा, अर्थात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेट मिले तो आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। वे फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।